अस्सलाम वालेकुम, मैं मूवी मैनिमल एक और एक वीडियो के साथ आया हूँ। आज की जो वीडियो है वो गायों के हवाले से है कि गायों की खरीदना कैसे, खरीद कर और घर तक लाने तक जो लोगों को अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं, उन इश्यूज़ को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा कि उनमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। पहली बात तो ये है कि यार, जब गाय परचेज़ करने लगो तो देखो, आजकल मेन क्या होता है, मूंखर या छाले वाली गाय आ रही है जो शिकायत कर रहे हैं लोग, उसमें ये है कि यार, जब गाय वाली से परचेज़ करने लगो, देखने लगो, तो देखो गाय के मुँह से कोई राल या झाग तो नहीं निकल ली। अगर मुँह से झाग या राल निकल ली, उसकी दो वजूहत है। एक ये कि जानवर स्ट्रेस पे, उसने मुँह या पत्थर या लकड़ी या रस्सी को मुँह में डाली, उसको चबाया जा रहा है, जिसकी वजह से झाग उसके मुँह में आ रही है। दूसरा रीज़न ये है कि वो बीमार है, उसकी बीमारी के अपने तीन चार अपने वो हैं। बस देखो, अगर उसके मुंह से झाग निकल ली है, निकल चुकी है, गीला हो रहा है, तो वो जानवर नहीं खरीदो, चाहे वो जितना भी अच्छा जो भी हो, रिस्क नहीं लेना। जब व्यापारी से डील होने लगे, फाइनलाइज होने लगे, तो उसके मोरे पे या नकील, जो उसके मुंह के ऊपर रस्सी डली हुई होती है, बंधी हुई होती है, उस पर नजर डालो। अगर खाली नकील है, यानी कान के पीछे से रस्सी जा रही है और नाक के अंदर से होती हुई बाहर आ रही है, ये नकील है, तो उसको बोलो कि भाई इसको एक मोरा डाल दो, इसमें मोरा जरूर पहनाओ। और अगर बिलफर्स के उसका जो मोरा उसने पहना हुआ है वो ढीला है, तो मोरा उसका टाइट करवा लो। ये चीज़ें ज़रूर देख लो, क्योंकि अक्सर वो बेशतर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इस मोरे की वजह से होती हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर उसके मोरे की या नकील की जो रस्सी है या वहाँ पे कोई जो गिरा है, वो उसकी नाक के अंदर तो नहीं जा रही, और नकील की जो रस्सी है उसकी भी गिरा गई उसके नाक के सिरे पे या नाक के नॉस्ट्रल्स के बिल्कुल एंड पे या नाक के सुराखों पे तो नहीं आ रही, क्योंकि रस्सी के जो रुएं होते हैं और रेशे जो होते हैं वो निकलने होते हैं, वो उसकी नाक में सुरसुर करते हैं, जिससे जानवर मुसलसल परेशान रहता है। तो ये चीज़ देख लो। और एक बात ज़रूर काम करो कि जब भी घर से गाय वाय लेने जाओ, तो अपने साथ 3 फुट के हिसाब से या 4 फुट के हिसाब से एक रस्सी ज़रूर लेके जाओ, जो गाय की गर्दन में बांध दो थोड़ा टाइट करके, और जो मोरे और नकील की रस्सी है वो उसके अंदर से थ्रू करते हुए बाहर निकलवा लो। तो उससे ये होता है, जो अक्सर आप देखते हो कि गाय को चढ़ाते हुए मोरा उतर जाता है, क्योंकि इन जानवरों को मोरे की आदत होती नहीं है एक्चुअली, ये हमारे लिए मोरा बांध देते हैं, गाँव या फार्म वाम में तो बगैर मोरे के फिर रही होती हैं, तो इसलिए वो अपना मोरा उनका उतर जाता है। तो लेट सपोज अगर कभी खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ ऐसा हादसा होगा, तो कम से कम मोरा वहाँ से निकल के गर्दन में फंस चुका होगा, तुम्हारे पास चांस होगा कि तुम जानवर को पकड़ सकते हो। दूसरी बात यह है कि वीडियो भी देखी होगी कि ना, गाय अपना मोरा उतार लेती है, समझदार जानवर है, तो गर्दन से जब पास गर्दन की रस्सी से जब मोरे की रस्सी निकल कर आई भी होगी ना, तो ऑब्वियसली फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका दूसरा रीजन भी होता है कि अक्सर ये नकीले ना नहीं डालते हैं, मतलब नाक में सुराख नए नए जानवर क्या होता है हमारे लिए संभालने के लिए, तो उसमें भी डायरेक्ट जोर पड़ रहा होता है, तो जानवर फजूल में परेशान हो रहा होता है, वो ताकत लगा रहा होता है। तो उसका जोर अगर आप गर्दन में बांट देंगे, गर्दन की नकील पे, रस्सी पे, तो उसको आसानी हो जाएगी, उसको दर्द भी कम होगा और वो आपकी बात माने, और वो ईजिली रहेगा जानवर, उसको परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हमारा मुशाहिदा ये रहा है कि 99% जो जानवर परेशान करता है, वो उस मोरे या वो उस नकील या उस रस्सी की वजह से परेशान कर रहा होता है, क्योंकि वो उसको इरिटेट कर रही होती है। एक और एक बात है, अगर तुम्हारा सौदा हो गया और तुम्हें लगा है कि यार जानवर थोड़ा तेज़ आ गया और जानवर थोड़ा बदमाशी करेगा, भागेगा, शपाटर आ गया, तेज़ जानवर आ गया, बुलेट आ गया, गोली आ गई है, तो यार उसको जब वो गाड़ी में चढ़ जाए, तो किसी तरह उसके पीछे वाले पाँव पे कोई 5 फुट से 6 फुट की रस्सी बांध के छोड़ दो, और जब ये जानवर तुम्हारे पास अनलोड होने आएगा, तो तुम इस रस्सी को गाड़ी से बांधोगे तो इजीली बंधी जाएगी। जो हमने पढ़ा है एनिमल कैप्चरिंग के लिए, तो उसके अंदर गाय की आगे वाली रस्सी बांधते हैं, और अगर आप पुराने गांव देहातों में जाओ तो वो भी लोगों ने आगे वाली गाय की रस्सी बांधी हुई होती है पाँव में, आगे वाले पाँव में। लेकिन हमारा कभी कभार ऐसा हादसा हुआ है कि हम जानवर को जब रोक रहे होते हैं, जानवर गिर जाता है मुँह के भल, तो उसके मुँह में चोट लग जाती है, तो वो खाना भी बंद कर देता है। वैसे ही वो डरा हुआ जानवर है, डर रहा है, भाग रहा है, ऊपर से वो खाना भी बंद कर देता है, तो उसको डबल प्रॉब्लम में आ जाता है। तो हमारे एक मिस्री डॉक्टर थे, उन्होंने हमें बताया पीछे वाली टांग हमेशा बांधो, जानवर कभी भी कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, वो पीछे वाली टांग इसलिए बांधते थे क्योंकि जब वो लोग आगे वाली टांग बांधते थे और गाय उनकी मारने आती थी, तो जिसने आगे वाली टांग की रस्सी पकड़ी होती थी वो उसकी लपेट में आ जाता था और गाय उसको मारती थी। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट, अगर आप पीछे वाली टांग बांधोगे, तो गाय जब पलट के आपके पास आ रही होगी, आप गाय के पीछे जा सकते हो, आपके पास बहुत अच्छा टाइम होता है गाय के रिफ्लेक्सेस को समझने के लिए। पीछे वाली टांग को आपको ऊपर ऊपर की तरफ खींच के नहीं उठाना, अगर इस तरह उठा दोगे तो जानवर गिर भी जाएगा और जानवर की टांगें भी चिर जाएंगी। ये उस टाइम करना जब जानवर को ज़िबा कर रहे हो। इसी तरह जब ज़िबा करने के टाइम, तुम्हें पता हो जानवर बदतमीजी करेगा, भाग दौड़ करेगा, मस्तियां करेगा, तो ज़िबा करने से 1-2 दिन पहले, चांद रात वाले दिन या उससे एक दिन जब मौका मिले, उसके पाँव में ये रस्सी बांध दो। अगर तुमने नहीं बांधी तो उसके पाँव में रस्सी बांध दो। तो मीन वाइल जब जिस ज़िबा के टाइम पे, ना वो कसाईयों को परेशान करेगा, ना किसी का टाइम ज़ाया करेगा, आप इजीली उसको कैप्चर कर सकते हो। तो ज़रूर पीछे वाली टांग में रस्सी बांध देनी चाहिए वक्त से पहले। और अगर बड़ी रस्सी तुम सोच रहे हो उलझेगी, तो छोटी सी रस्सी उसके पीछे वाले पाँव में, उसके नाखूनों के ऊपर जो उसकी पिंडली होती है, पिंडली पे आप बांध दो वो रस्सी, वो 2-1 दफ़ा झल्लाएगा, उसके बाद छोड़ देगा। यही अगर तुम्हें झुंझुने पहनाने का और हार वार पहनाने का बहुत शौक है, तो जब मंडी से जानवर परचेज करके गाड़ी में चढ़ा रहे हो या चढ़ा दें, तब ये चीज़ें उधर पहना दो। तो उसमें झुंझुने पहनाना भी आसान होता है, क्योंकि आप गाड़ी के बाहर से हाथ खड़े होकर पहना सकते हो, हार वार भी पहना दो। तो इस प्रोसेस में जब गाय आपके घर उतरती है, तो उसको सारा चेंज लगता है, तो उसको अपनी बॉडी में भी यही चेंज लगता है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होती, और उसको लगता है कि यार ये
चीजें मेरे साथ हो गई हैं या हुई हुई थी, तो वो इतना ध्यान नहीं देती। हाँ, वो झिझलाएगी क्योंकि नई जगह पे आई है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सेट हो जाएगी और वो यूज्ड टू भी हो जाएगी। ये एक ट्रिक होती है जो हम यूज अक्सर करते हैं, लेकिन वैसे सजाना वजाना नहीं चाहिए, वो जानवर को बहुत इरिटेट करता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट। और दूसरा, वो हमारा थोड़ा ये भी होता है कि हम जैसे बलि चढ़ाने जा रहे हो तो जिस तरह वो लोग सजाते तो उसके वजह में आते, तो सजाना नहीं चाहिए, वह नॉर्मल रखो जैसे अच्छी लगती है, अच्छे लगते हैं जानवर। जानवर जब आएगा तुम्हारे पास तो 3 से 4 दिन कुछ खाता नहीं है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ये नॉर्मल जानवर है। हमारे एक गवाला उस्ताद थे, वो कहते थे अगर जानवर आती तुम्हारे घर खाना खा ले तो वो कहते थे इसको बाड़े से बाहर निकालो, क्योंकि वो जानवर इतना स्याना नहीं है, उल्टा सीधा खा लेगा, फिर पानी पी लेगा, उसका पेट खराब हो जाएगा, फिर लंबी प्रॉब्लम में जाएगा। जैसे हम नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ का पानी सूट नहीं करता, इसी तरह जब जानवर आपके घर आया होता है तो उसको भी जानवर को भी पानी वगैरह सूट नहीं करता। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है कि कोई जानवर अगर आपके पास आया है वो 3 दिन या 2 दिन या 4 दिन नहीं खा रहा, ये जस्ट नॉर्मल है। उसको स्टार्ट में सिर्फ आप ग्रीन फॉडर यानी मकई कुतरा ऑफर करो। गायों को लूसन बिल्कुल नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देना, कभी भी नहीं देना। बरसीन दे सकते हो, जंतर दे सकते हो, और सबसे बेस्ट है मकई कुतरा। मकई कुतरा उसको 1 दिन 2 दिन सिर्फ मकई कुतरा खाली दें। अगर पहला दिन गुजर जाए, दूसरा दिन भी गुजर रहा हो और उसे ना खाया, तो मकई कुतरे के ऊपर आप हल्का सा आटा छिड़क दीजिए, वो खाने लगेगा। अगर 4 दिन से ऊपर हो जाए तो ऑब्वियसली आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, वेट को बुलाएं, वो उसको देख लेगा। बाकी गाड़ी में लोग चढ़ा देते हैं जानवर को, तो जब भी गाड़ी, ऐसी गाड़ी चूज करो जो ऊपर से कवर हो, ओपन गाड़ी कभी यूज़ नहीं करो। और अगर कोई गाड़ी नहीं मिलती तो कम से कम उसका जो डाला है, उसकी जो पीछे का जंगला है, वो तुम्हारी गाय की हाइट से 2 फीट या फीट ऊपर हो, ऊंचा हो, नीचे कभी भी ना हो। और जानवर को बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा करो, कोशिश करो उसको टेढ़ा करके जो खड़ा करते हैं उस तरह बिल्कुल खड़ा ना करें, वो प्रॉब्लम में आ जाता है जानवर बुरी तरह, फिर वो उसको चैलेंज करने लगता है। इसी तरह क्या नाम है, जब आप जानवर को अनलोड करने लगे तो एक रस्सी गर्दन में डाल के गाड़ी से जरूर बांध दीजिए और फिर उसको अनलोड करें। लोगों वगैरह को कोशिश करो खामोशी से के टाइम पे उसको अनलोड करो, ताकि लोग ना हो, कम से कम बच्चे कम से कम अगर हैं तो, अगर फ्लैट वाले तो कम से कम एक कनात लगा लिया करें, एक कनात रख लें कि जानवर को जैसे ही उतरने लगे वो कनात का एक कमरा बना लें, जानवर को उस कनात के अंदर उतारें और गाड़ी को निकाल के कनात बंद कर दें, उसको थोड़ी देर वैसी कनात के अंदर रखें, पर आहिस्ता आहिस्ता करके कनात खोलें तो जानवर सबसे अच्छा रहेगा। ये तरीकेकार सबसे बेस्ट होता है। फ्लैट में या जहाँ भी बच्चे बहुत बदतमीजी करते हैं वहाँ तो ये तरीका लाजिम कर देना चाहिए, तो इससे होता है जानवर प्रॉब्लम में नहीं आता, जानवर बिल्कुल इजीली उतर जाता है। अगर वो उतरते ही भागता भी तो कनात के अंदर ही होता है, और कनात को आप जब अच्छे से बांध देंगे तो उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं पड़ेगा, तो कनात भी नहीं फाड़ता जानवर। कनात उस तरह या टेंट वहां से फाड़ता है जहां से उसको कोई रास्ता निकलता हुआ दिखता है। ये कुछ मसाइल थे जो लोग अक्सर पूछते थे, तो अब इंशाल्लाह ताला मैंने सबका जवाब दे दिया है। अगर कोई बात रह गई है, कोई बात समझ में नहीं आई है, तो कमेंट में पूछ लेना मुझसे या किसी कहीं भी इनबॉक्स कर देना, मैं बता दूंगा। जानवरों पर रहम करना, उनको अच्छे से रखो, अच्छे से पकाओ, अच्छे से खाओ, और दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।